के मामले में खुद हमारे प्रधानमंत्री जब चीन को क्लीन चिट देते हुए घूमते हैं पूरी दुनिया में, तो चीन के राष्ट्रपति उनका वीडियो दिखाते हैं। कई और सवाल हैं। गलवान के बाद सरकार ने कहा था कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन चीन के साथ आयात हमारा 31% बढ़ा है, 37% निर्यात कम हुआ है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ऐसा देश जो डोकलाम करता है, जो गलवान करता है, जो हमारे 20 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, ऐसा देश जो तावांग में जबरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ़ हमारी सरकार मौन क्यों है? जब हमारी सेना कार्रवाई की इजाज़त मांगती है तो उसको इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? डोंगफांग जैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने स्मार्ट मीटर का ठेका कश्मीर में क्यों दिया? वो हमारे कश्मीरी भाइयों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। 43,000 करोड़ का धलोरा में गुजरात के अंदर आपने MOU क्यों साइन किया? आपको ये बताना होगा देश को कि आपने चीनी कंपनियों से PM CARES फंड में पैसा क्यों लिया? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में जवाब देना चाहिए सामने आके सरकार। लेकिन सर, चीन की जो बार बार जो ये कोशिश है, आप लोगों को भी क्या युद्ध जैसी कोई आशंका नज़र आ रही है? क्योंकि एक पास्ट तो चीन का रहा है। ऐसा है कि जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे सेना के लोग सीमा पर हैं, उसका आकलन सही ढंग से वो कर सकते हैं, और इसके बारे में जो भी सेना कार्रवाई करना चाहती है उसको इजाज़त दी जाए। धन्यवाद।